हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ दो बहुत ही बेहतरीन बाइक्स का। आप देख सकते हो आपके सामने है अपाचे 4V और साथ में है हमारे पास पल्सर N160। दोनों का जो कंपटीशन है ना, एकदम हेड टू हेड होता है। लोगों को कुछ ये पसंद आती है, कुछ लोगों को ये पसंद आती है, कुछ लोग अपाचे के फ़ैन हैं, कुछ लोग बजाज पल्सर के। मेरे पास दोनों नहीं है, मुझे दोनों बाइक अच्छी लगती है, तो मैं एक जेन्युइन आपको रिव्यू बताऊंगा दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी है कौन सी बुरी है। बुरी तो वैसे कोई भी नहीं है, बट मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो चलिए कैमरे के पीछे चलते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, दोनों बाइक साथ में मैंने खड़ी कर दी है ताकि आपको साइड बाई साइड पूरा डिटेल दिखे कि बाइक दिखने में कैसी है। बाकी भाई ने यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट की हुई है, ये 2022 मॉडल है और ये 2023 मॉडल है। जैसा कि आपको पता है BS7 BS6 फेज 2 आ चुका है, तो E20 का अपडेट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको कौन सी अच्छी लग रही है पहले तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए अब कुछ डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर आपको LED लाइट मिलती है, फुली LED लाइट, जिसमें आपको DRL मिल जाते हैं और जिसकी लाइटिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आपको दिख रहा होगा। एंड बाकी जो भी फोकस वगैरह है वो यहीं से होता है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए हाई लो जल रहा है, कैसी आपको लाइट लग रही है आप देख सकते हैं। बाकी अगर मैं पल्सर की बात करूं, तो पल्सर में आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अभी अंधेरा नहीं, नहीं तो मैं आप लोगों को दोनों की चेक करके दिखा देता, बट अपाचे के DRL बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब पल्सर को स्टार्ट करके आपको इसकी लाइट दिखाते हैं। तो DRL कुछ इस तरीके से जलती है, ऑफ होने के बाद इसकी DRL नहीं जलती है, जैसा कि इसमें आप देख सकते थे जब सिर्फ चाबी मैंने ऑन की थी ये जल गई थी। इसको स्टार्ट करना पड़ता है, तो भाई ने यहाँ पे थोड़े से स्टिकरिंग की हुई है। लाइट इसकी भी अच्छी लग रही है यार। चलिए इसका अब लाइट जला के देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो प्रोजेक्टर लाइट की ये खासियत है, इसका जो थ्रो होता है ना बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह पे जाता है और बहुत अच्छी रोशनी करता है। तो चलिए अब इसके फ्रंट की हमने बात कर ली, अब टायर की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट टायर से। तो यहाँ पे जो टायर है अपाचे का, वो आपको C8 के जूम टायर देखने को मिलेंगे। एंड जो इसका साइज़ है वो है 1990 N17 इंच के अलॉय। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं डिस्क ब्रेक की बात करूँ, 270mm का यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, पेटल डिस्क है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा मतलब हीटिंग इशू इतनी ज़्यादा नहीं होती। बाकी इसमें जो कैलिपर्स हैं वो किस कंपनी के हैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो बाकी ब्रेकिंग मैंने इसको चलाया था, आपने राइड रिव्यू देखा होगा, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया कर रही है। एंड यहीं अगर मैं बात करूँ पल्सर N160 की, तो पल्सर N160 का जो टायर का साइज़ है वो 180 17 इंच के अलॉय हैं। एंड थोड़ा सा इसमें मतलब 10mm का यहाँ पे बढ़ोतरी दिख रही है उसके मुकाबले। तो इसका जो डिस्क प्लेट है वो 300mm का है, तो ज़्यादा बड़ा डिस्क प्लेट है, तो इसमें भी आपको हीटिंग इशू इतनी नहीं होगी, ज़्यादा सरफेस है। एंड यहाँ पे आपको ग्रीमिका के कैलिपर्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही है। बाकी आपने अगर देखा होगा अपाचे में आपको ब्रांडिंग नहीं दिख रही है। एक डिसएडवांटेज आपको मिलता है अपाचे में, ये है सिंगल चैनल ABS। एंड N160 में एक एडवांटेज मिल जाता है, डुअल चैनल ABS का यहाँ पे साइन भी है और डुअल चैनल ABS इसमें आपको मिल भी जाता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में ये विन करती है। चलिए बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि सब लोग देखना चाहते हैं क्या है, क्या अपडेट नहीं है, दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे दिखने में। तो ये अपाचे का कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एंड अगर मैं बजाज की बात करूं, तो बजाज का कुछ इस तरीके का है। तो दोनों के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैं बहुत ही बढ़िया है, बट यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलने वाला है अपाचे को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट एक्स कनेक्ट, अपाचे में आपको मिल जाता है। एंड आपको मैं डिटेल दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको मोड भी मिल जाता है, आपको यहाँ 3 मोड देखने को मिलेंगे, एक है रेन, एक है अर्बन, एक है स्पोर्ट्स। रेन और अर्बन मोड में आपको 14.5 PS की पावर मिलेगी, एंड स्पोर्ट्स मोड में आपको 17.5 PS की पावर मिलेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप सिटी में चलाते हो तो आप अर्बन में चलाइए और माइलेज ज़्यादा पाइए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, साइड स्टैंड का यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, ये आपका ट्रिप। एंड यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिख जाता है, एंड ऊपर की तरफ आपको RPM दिख जाएगा, एंड यहाँ पे टाइम भी है। बाकी लाइट का यहाँ पे है, रिजर्व की लाइट यहाँ दिख जाती है, चाबी की है, यहाँ पे ABS है इंजन की, बाकी जो नॉर्मल लाइट दी जाती हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं पल्सर N160 की। तो पल्सर N160 में आपको भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाने वाले हैं, बट यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, जो कि एक डिसएडवांटेज है अगर मैं बात करूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या है। टाइम दिया है, ऑडो दिया है, ये रहा आपका
स्पीडोमीटर और ये है आरपीएम, बाकी लाइट्स हैं यहाँ पे, साइड स्टैंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिप वन मिल जाता है, ट्रिप टू है, डिस्टेंस टू एमटी भी आपको यहाँ मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलता है N160 को, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि डिस्टेंस टू एमटी, मतलब आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप फ्यूल को फिलअप कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद एमटी हो जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपको अपाचे में देखने को नहीं मिलेगी। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें कम ज़्यादा कर देती हैं बाइक में। बाकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे N160 का बैजिंग है, सेम उसी जगह पे RTR 164V का बैजिंग है, स्पेशल एडिशन है, अपाचे यहाँ लिखा हुआ है। इसकी जो सीट है कुछ इस तरीके की है, कलरफुल एंड सॉफ्टनेस बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भाई ने अपडेट किया तो मैं आपको बता नहीं सकता इसकी स्टॉक सीट कैसी है, बट स्टॉक सीट के मुकाबले इसकी सीट ज़्यादा सॉफ्ट है और ज़्यादा कम्फर्टेबल है। चलिए बात करते हैं सीट हाइट की। तो अगर आपकी हाइट कम है, मतलब आपकी हाइट है 5'3" 5'4", तो थोड़ा पल्सर आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है वो 795 है। एंड अगर मैं वहीं अपाचे की बात करूं, यहाँ पे आपको 800mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी, जो कि अगेन ज़्यादा है। बट इसका एक फ़ायदा भी है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180mm का है। तो यहाँ पे ना आपको जो बड़े बम्प होते हैं ना, वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे का हिस्सा लड़ जाएगा। एंड वहीं अगर मैं N160 की बात करूँ, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 है, तो बहुत कम है। तो अगर दो लोग बैठेंगे तो ये दब जाएगी उतनी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक यहाँ पे देखने को मिलता है बजाज में। चलिए आवाज़ सुना देता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पल्सर को स्टार्ट कर दिया और आवाज़ सुनते हैं इसकी। इसके जो एग्जॉस्ट हैं वो अंदर की तरफ ही हैं, तो इतना ज़्यादा लुक नहीं देती है बाइक, क्योंकि एग्जॉस्ट का जो लुक है ना, जो एग्जॉस्ट का दिखने का लुक होता है ना, जो बाहर निकला होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। इसका जो है नीचे की तरफ ही है। आवाज़ आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब मैं अपाचे को स्टार्ट करता हूँ। अपाचे को भी स्टार्ट कर दिया है। तो अपाचे में एक फ़ायदा है कि अपाचे में आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा और गाड़ी को अट्रैक्टिव बनाता है। तो यहाँ पे सिंगल मफलर देखने को आपको मिल रहा है। एंड चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन की, जो सबसे मेन चीज़ है। अगर इंजन की बात करूं, अपाचे का जो इंजन है 160cc इंजन है, और इसमें जो पावर मिलती है आपको 17.5 PS की पावर मिलती है, 14.73 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं अगर मैं पल्सर की बात करूं, यहां पे आपको 16 PS की पावर मिलती है एंड 14.65 का टॉर्क मिलता है। एंड ये जो है ना, ये 2V है और ये 4V है, तो यहाँ पे दो वॉल्व एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसका एक्सीलरेशन और ज़्यादा बेहतर होने वाला है एज़ कम्पेयर टू पल्सर N160। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। चलिए पीछे के टायर की बात करते हैं। पीछे का टायर जो है 130 सेक्शन का है, अगेन C8 जूम यहाँ पे टायर यूज़ किए गए हैं। पीछे आपको पेटल डिस्क मिल जाती है, एंड यहाँ पे देखिए थोड़ा कवर जैसा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ पल्सर की, तो पल्सर में ग्रीमिका के कैलिपर्स लगे हुए हैं, पीछे डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है। टायर की बात करूँ तो 130/70 R17 है, 17 इंच के अलॉय हैं, 130 सेक्शन के टायर हैं। यहाँ पे आफ्टर मार्केट टायर लगाए हुए हैं मिशलिन के, एंड जो इसके स्टॉक टायर आते हैं वो MRF के टायर आते हैं। तो यहाँ पे C8 के टायर हैं, उसमें MRF, दोनों टायर कंपनी बहुत ही बढ़िया है, एज़ कम्यूटर बाइक में बहुत ही सफिशेंट है, बढ़िया है, अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों बाइक का एक कंपैरिजन था। प्राइस की बात करते हैं, चलिए जो सबसे मेन होता है, इसका जो प्राइस है आज की डेट में, जो डुअल चैनल ABS है उसका जो रेट आ रहा है लखनऊ में निकल के 1,59,000 आ रहा है ऑन रोड। लेकिन अगर स्पेशल एडिशन की बात करूं मैं अपाचे की, तो 1,61,000 की है ये, तो 1,61,000 की यहाँ पे रेट निकल के आ रही है अपाचे की, तो थोड़ी सी महंगी है 2,000। आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सी बाइक आपके लिए सही रहेगी। मैंने जितना डिटेल बताना था आपको डिटेल में बता दिया है, सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़, कुछ चीज़ें रह गई होंगी बट उसका इतना ज़्यादा मायने नहीं है। तो गियर की बात करूं तो दोनों में 5 गियर बॉक्स मिलते हैं, मतलब 5 ही गियर दोनों में मिलेंगे आपको, 6 गियर नहीं मिलेगा, जो कि बहुत खलता है, बट कोई नहीं, बाइक दोनों बढ़िया है भागने में चलने में। बाकी आप लोगों ने रिव्यू तो देखा ही होगा दोनों का, राइड रिव्यू भी आपने देखा ही है। आप लोगों को डिसाइड करना है, जाके चलाइए, मैं यही कहूँगा, जाके चलाइए, फील करिए आपके लिए कौन सी गाड़ी बनी है। दोनों के इंजन बहुत ही बढ़िया है। तो अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन में आऊँ, तो मेरे हिसाब से पावर अगर आपको देखनी है तो आप अपाचे के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लुक, थोड़ा सा और अच्छा लुक चाहिए नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में, तो मुझे लगता है पल्सर का जो लुक है ना रोड में आई कैची है, बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो साइड से बहुत स्लीक लगती है, स्पोर्टी लगती है। तो मेरे हिसाब से लुक के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से आप पल्सर के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको पावर चाहिए, पिकअप चाहिए,
तेज भगाना है गाड़ी को तो आप अपाचे के साथ जा सकते हो, एंड थोड़ी स्मार्टनेस भी चाहिए तो स्मार्ट कनेक्ट है इसमें, तो अपाचे आपके लिए सही रहेगी। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, होप करता हूँ इससे इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो लेने के लिए कौन सी बाइक लेनी चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।